Kabhi Khushi Kabhi Gham is the single biggest slap in my face and my biggest reality check. Filmmaker Karan Johar ne apne is statement se sabko chauka diya hai. अपने करियर की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म को करण जौहर ने अपने गाल पर पड़े एक थप्पड़ से कंपेयर किया है। करण जौहर का कहना है कि जब वो ये फिल्म बना रहे थे तो उन्हें लगा वो मुगले आजम, लगान और दिल चाहता है के बाद सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बना रहे हैं। आई थॉट आई एम मेकिंग द बिगेस्ट फिल्म इन हिंदी सिनेमा सिंस मुगले आजम अंटिल आमिर खान लगान एंड फरहान अख्तर दिल चाहता है। अपनी इस फिल्म की कहानी की इंस्पिरेशन को रिवील करते हुए करण जौहर ने बताया, आई मेड द सेम फिल्म एज कुछ कुछ होता है, दैट्स व्हाट K3G वाज। आई टुक द स्टोरी लाइन ऑफ कभी कभी एंड द फैमिली वैल्यूज ऑफ हम आपके हैं कौन एंड मेड दिस मश ऑफ अ फिल्म। साफ है करण जौहर ने बॉलीवुड के हिट फॉर्मूलास को एक साथ क्लब करके एक आइकॉनिक फिल्म बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फिल्म को लेकर क्रिटिक्स का रिस्पांस आया तो करण जौहर शॉक्ड रह गए। इसीलिए उनका कहना है कि ये फिल्म उनके लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। वैसे अपनी फिल्म के मच टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर यानी कि फिल्म में करीना कपूर के रोल को लेकर करण जौहर का कहना है, पू ओ माई गॉड, यू शुड गो एंड चेक ऑनलाइन, देर आर लाइंस, मीम्स एंड गेम्स ऑन पू, बट एट द टाइम ओनली बेबो एंड आई लव्ड हर कैरेक्टर, आई एम पू, that's who I am, I wrote all the lines, picked the clothes, everything. Well, Karan Johar ke liye definitely ye film thi ek reality check aur shayad yahi wajah hai ki ab wo takht jaise historical drama par kaam kar rahe hain.